Hello, my students. Good morning. I am a teacher and present before you to teach the next topic. As I remember that in previous class we had discussed about the solution, its definition, properties, types of solution, solid solution, liquid solution and gas solution, and now in this class we'll study the concentration of solution by mass or by volume. So the concentration of solution by mass or by volume, इसको करने के पहले मैं पुनः एक बार जो विगत क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसका रिवीजन करना वाजिब समझते हुए फिर एक बार उसका रिवीजन या पुनरावृत्ति मैं करने जा रहा हूँ. जैसा कि सॉल्यूशन क्या होता है, इस क्लास में दैट इज स्टैंडर्ड 9-10 के लेवल में हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में जानना है. बाइनरी सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच देयर इज टू एंड ओनली टू कंपोनेंट्स, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन की कंस्टिट्यूएंट्स की संख्या कितनी होती है, दो होती है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट. सॉल्यूट जो डिजल्व होता है और सॉल्वेंट जो डिजल्व कराता है. तो हम लोगों ने इसका उदाहरण भी लिया था सॉल्यूट और सॉल्वेंट से कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आर दोज विच गेट डिजल्व्ड इन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट इज दैट मटेरियल विच डिजल्व्स द सॉल्यूट. तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये होमोजेनस इन नेचर. होमोजेनस इन नेचर मतलब द कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन. जैसे शुगर या साल्ट सॉल्यूशन है तो शुगर या साल्ट जो डिजल्व करता है वाटर में वो इक्वली डिजल्व करता है. थ्रू आउट द मिक्सचर देर इज होमोजेनिटी एंड देर इज नो बाउंड्री लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स. तो सॉल्यूशन इज होमोजेनस इन नेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का, द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज. मतलब सेम फेज का मतलब वो क्या होता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही अवस्था में सॉल्यूशन के अंदर रहते हैं. और तीसरा, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. सॉल्यूट की साइज जो है बहुत छोटा है और यस सॉल्यूट की साइज छोटा है मीन्स डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर ऑफ ऑर्डर 10^-9 मीटर. मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायमीटर का साइज कितना होता है, 10^-9 मीटर. दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड 10^-9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर. That is, solute particles are of very small. Solute particles of solution are very small, and their size is 10^9 meter, -9 meter. I'm sorry, 10^-9 meter. That is of order 1 nanometer. Fourth,
the particles cannot be seen by naked eyes or even by the ordinary microscope. यहाँ कह रहा है कि particles size छोटा होने के कारण, solute particles के size छोटे होने के कारण हम उसे नग्न आंखों से नहीं देख सकते या सामान्य माइक्रोस्कोप से भी हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन से भी हम उसे देख नहीं सकते। पांचवा, सॉल्यूट पार्टिकल्स इस तरह से सॉल्यूशन में मिक्सअप होते हैं कि दे पासिस थ्रू फिल्टर पेपर ऑन फिल्टरेशन। जब उसका फिल्टरेशन किया जाता है सॉल्यूशन का, तो दिस सॉल्यूशन इज पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर एंड नो रेसिड्यू इज प्रेजेंट ऑन द फिल्टर पेपर। फिल्टरेशन की क्रिया क्या होती है? फिल्टरेशन की क्रिया में जब हम फिल्टर पेपर पर किसी सॉल्यूशन को डालते हैं तो रेसिड्यू के रूप में क्या होता है, ये रेसिड्यू के रूप में फिल्टर पेपर पर जो मटेरियल रह जाता है उसे रेसिड्यू कहते हैं, और फिल्टर पेपर से जो पास हो जाता है उसको फिल्टरेट कहते हैं। द मटेरियल्स दैट सेटल ऑन द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड रेसिड्यू एंड द मटेरियल्स दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड फिल्टरेट। तो फिल्टरेशन में क्या होता है कि देर इज नो रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एंड सॉल्यूशन इज पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर। नेक्स्ट, सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल, ये काफी स्थायी होता है, एक लंबे समय तक भी सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं तो सॉल्यूट जो है बॉटम ऑफ कंटेनर पर सेटल नहीं होता है। दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन इज क्वाइट स्टेबल, दैट इज वेरी स्टेबल। एंड सॉल्यूशन को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, यह अनसेचुरेटेड हो जाता है और मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिजल्व करने की कैपेसिटी रखता है। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दी सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, दैट इज दे डोंट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन द बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए मिक्सचर देन इट ब्रेक्स अप इनटू सेवन कलर एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। दिस ए दूध, दूध इज आल्सो ए मिक्सचर। तो दूध से हम जब लाइट पास करते हैं तो लाइट जो है सेवन कलर्स में स्प्लिट अप हो जाता है, और जैसे ही दूध से वो पास करता है तो अपने पाथ से लाइट स्कैटर होने लगता है, विचलित होने, स्कैटर मतलब विचलित होने लगता है और वो सेवन कलर्स में टूट जाता है। बट सॉल्यूशन में ये नहीं होता है। व्हाई इट इज सो, बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल एंड इट डज नॉट स्केटर द बीम ऑफ लाइट, दैट इज दे डोंट शो द टिंडल इफेक्ट। मतलब सॉल्यूशन से जब बीम ऑफ लाइट पास करता है तो वह अपने पाथ से स्केटर नहीं होता, डेविएट नहीं होता, और इस तरह से सॉल्यूशन के प्रॉपर्टी हुए कि होमोजेनस इन नेचर, कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, द पार्टिकल्स कैनॉट बी सीन बाय नेकेड आईज और इवन बाय द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन,
The solution passes through the filter paper on filtration. Solution is quite stable, and due to very small size of the solute, it does not scatter the path of the light. That is, it does not show the Tyndall effect. Or solution को जब गर्म करते हैं, that is heat करते हैं, temperature increase करते हैं, तो यह unsaturated में बदल जाता है. क्यों? क्योंकि इसके solubility की क्षमता जो है बढ़ जाती है. it more capacity to dissolve the solute particles. Right now, concentration of solution by mass or by volume. Concentration of solution by mass or by volume, इस पर हमें numerical way करना होता है. तो इसके लिए पहले हम लोग देखें कि concentration of solution है क्या. What is the concentration of solution? So the concentration of the solution is expressed as the amount of the solute particles present in a given amount of the solvent or solution. What is the concentration of solution? The concentration of a solution is expressed as the amount of the solute particles present in a given amount of the solvent or solution. Means amount of solute particles means quantity of solute particles present in a given amount of the solute or solvent. Solution or solvent. I'm sorry. The concentration of a solution is defined as or expressed as the amount of the solute particles present in a given quantity of solution or solvent. So, अब हम लोग concentration of solution by mass or by volume. So, mass by mass percentage जब निकालते हैं तो ये क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं. ये बाइनरी सॉल्यूशन है, टू कंपोनेंट्स ए एंड बी. हम लोग इसको और क्लियर करके समझना चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगा कि पहले हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन को देखें. पहले भी हमने बाइनरी सॉल्यूशन की चर्चा की थी. बाइनरी सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन विच हैज टू एंड वनली टू कंपोनेंट. That is, binary solution में क्या होता है? Solute plus solvent. अगर solute को A कहें और इसको क्या कहें? B. Suppose solute is represented by A and solvent is represented by B. A plus B, ये क्या हो जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन हो जाएगा. वंस मोर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. इट मे बी आइदर बाय मास और बाय वॉल्यूम. तो एज आवर पर डेफिनेशन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज defined as the amount of solute present in the given quantity of solution or solvent. Binary solution kya hota hai? Solution which has two and only two components.
तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज बाइनरी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट को हम ए से रिप्रेजेंट करें और सॉल्वेंट को बी से रिप्रेजेंट करें तो ए प्लस बी जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। अब यहां पर मास पर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास परसेंट या मास ऑफ सॉल्यूशन बाय मास परसेंट, तो डब्ल्यू ए मतलब डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, आई एम सॉरी, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट और गुणे 100 इज द मास बाय मास परसेंट कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। मास बाय मास परसेंट कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मास बाय मास परसेंट कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे हम लोग इसका एग्जांपल लेकर देखें कि फाइंड द परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास परसेंट, तो हम लोग यहां पर ए सॉल्यूशन या ऐसे हम लोग लिखें 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन साल्ट, इज अ डिजर्ट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन साल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन साल्ट सॉल्यूशन बाय द मास परसेंट। क्लियर, द क्वेश्चन इज ये 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉमन साल्ट इट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन साल्ट सॉल्यूशन बाय द मास परसेंट। तो हम लोग यहां देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट मास प्लस सॉल्वेंट मास, दैट इज वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी। वेट ऑफ ए मीन्स सॉल्यूट वेट और वेट ऑफ बी मीन्स सॉल्वेंट वेट। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्यूट कितना हो रहा है 20 ग्राम और सॉल्वेंट कितना हो रहा है
100 ग्राम तो सॉल्यूशन मास कितना हो जाएगा 120 ग्राम। राइट नाउ कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय मास परसेंट बराबर डब्ल्यू ए बाय डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए हम लोगों का कितना है 20 और डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी कितना आया 120 और इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा 20 6 जा 120 और 3 2 जा और ये कितना होगा 50 तो ये कितना होगा 50/3% दिस मच इक्वल टू हाउ मच दिस मच इक्वल टू 3 तो 16 हो जाएगा 16.6% ऑलमोस्ट। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय मास परसेंट एंड जिसे हम लोग मास बाय मास परसेंट भी कह सकते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूशन जैसा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी तो कितना हो जाएगा वेट ऑफ या मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास बाय मास परसेंट ऑफ ए कंसेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड एट वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100 दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन 100। दिस में बी रिटेन एज मास बाय मास परसेंट में भी रिटेन एज मास बाय सॉल्यूट। ये क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100% मास ऑफ सॉल्यूशन को हम कितना लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट वेट ऑफ सॉल्यूशन। राइट नाउ हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं कि ए शुगर सॉल्यूशन
a sugar solution of mass 200 gram dissolves 25 gram of sugar calculate the percentage concentration of sugar by mass in the sugar solution. The numerical is as the sugar solution of mass 200 gram dissolves 25 gram of sugar. Calculate the percentage concentration of sugar by mass in the sugar solution. So very simple. It is so simple. The percentage concentration of solute by percentage concentration of solute by mass percent in the sugar solution barabar percentage concentration of सॉल्यूट यहां पर शुगर है बाय मास परसेंट इन द शुगर सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है यहां पर 25 ग्राम और सॉल्यूशन का मास कितना है 200 ग्राम अर्घन कितना 100 तो ये कितना हो जाएगा दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा ना तो हाउ मच हियर 25/25/2 इज इक्वल टू हाउ मच 12.5% दिस इज द कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द शुगर सॉल्यूशन वन ये हम वंस मोर द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन तो परसेंटेज कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं मास बाय मास परसेंट या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट तो मास बाय मास परसेंट के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100 तो अब हम लोग परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम percentage
कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम। तो ऐसे हम लोग कैसे देखते हैं, लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए बी प्लस बी बी इंटू 100। ए बी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम परसेंट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट बाय मास परसेंट। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आई 200%। जैसा कि हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट के वॉल्यूम और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को जोड़ देते हो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ए इज द सॉल्यूट, बी इज द सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ ए दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100% इज द परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाय द वॉल्यूम परसेंट। तो जैसे हम लोग एक उदाहरण लेकर इसको समझें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम परसेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो यहां पर अगर हम लोग देखें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कुछ भी लिख सकते हैं, या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम परसेंट भी लिख सकते हैं, या कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम परसेंट भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम सॉल्यूट के कंटेक्स्ट में निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम परसेंट, अगर सॉल्वेंट के कंटेक्स्ट में हम कंसेंट्रेशन निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो लेट अस सी हंड्रेड एम एल वाटर डिजल्व्स 50 ml अल्कोहल, फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम परसेंट। सो सिंपल इट इज,
100 ml water dissolves 50 ml alcohol. The alcohol is solute because the quantity of solute in a solution is less than the quantity of solvent, and water is a solvent. So volume of solute by volume percent अगर निकालते हैं तो यहाँ solute की जगह क्या हो जाएगा, volume of alcohol by volume percent. Volume alcohol by volume percent what? So volume of solute, that is alcohol, by volume of alcohol plus volume of water, means volume of alcohol plus volume of water, volume of solution. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय ए वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस बी वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आर गुने 100%. तो ये हमें कितना आ जाएगा, अल्कोहल कितना हो रहा है 50 ml. ये 50 ml अल्कोहल और अल्कोहल 50 ml एंड वाटर इज 100 ml. तो 50 + 100 दैट इज वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल 50 ml और प्लस 100 ml इंटू 100. हाउ मच इट, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, फिफ्टी बाय 150 इंटू 100%, दिस मच 100 / 3%, इट मे बी रिटर्न एज 33.3% एट ए गिवन टेम्परेचर. तो माई स्टूडेंट्स, this is concentration of solute or solvent in a solution by the mass percent or by the volume percent, जिसको हम लोग mass by mass percent भी कह सकते हैं या volume by volume percent. It is very clear that concentration of solution is expressed as or defined as the amount of solute or the quantity of solute present in the given quantity of solvent or solution, that is amount of solute present in given quantity of solvent or solution is known as the concentration of solution or is expressed as the concentration of solution. Thanks my students. Next topic like colloidal and suspension we will explain in next class, and then we will see the difference between a solution, a suspension, and a colloidal solution. Thank you.